तो भगवान का दूसरा रूप होता है, बिल्कुल ऐसा ही हमें तब देखने को मिलता है जब एक डॉक्टर मरीज के चेहरे पर एक छोटी सी खुशी देखने के लिए वो कर दिखाया जिससे मरीज गदगद हो उठे। कुछ ऐसा ही कर दिखाया बालको मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों ने। बालको में कैंसर के मरीजों का बेहतर इलाज किया जाता है। बालको मेडिकल सेंटर और रायपुर लेडीज सर्कल 90 ने कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए क्रिसमस पार्टी रखी, जिसमें बच्चों के लिए कई प्रोग्राम भी रखे गए। पार्टी में बच्चों ने डांस किया, मैजिक शो और स्टोरी टेलिंग जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस पार्टी में बच्चों के पेरेंट्स भी शामिल हुए। पार्टी में बच्चों के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। वहीं ए आर रहमान की मिशन पानी संस्था से सिंगर अंतरा और अंकिता नंदी ने बच्चों के लिए एक खास ऑनलाइन म्यूजिक शो भी पेश किया। तो वी टॉक ऐसे इवेंट एक होना चाहिए जहां उनका मेंटल लेवल का थोड़ा कंफर्ट मिल सकती है। तो दैट इज वाई हमने सोचा हॉस्पिटल के बाहर करेंगे। हॉस्पिटल में करेंगे तो वही लगेगा, मतलब और एक वार्ड जैसे लगेगा। हमारा भी ये बड़ा एरिया है, बट वी थॉट तो देयर बिहाइंड द सपोर्ट लाइक दिस लेडीज वाज वेरी वेरी सपोर्टिव दैट दे डिसाइडेड यस वी विल सपोर्ट विद यू, आपके साथ हम ऐसे इवेंट करेंगे। सो दैट इज वाई वी हैव टेकन एंड हम लोग ऐसे बच्चे लेकर आए हैं जिसका अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। एंड देन इमोशनली आई थिंक साइकोलॉजिकली ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि एक जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो तो उसकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसके अलावा जो अपने ये हॉस्पिटल में जितने लोग एडमिटेड हैं उनकी स्माइल्स, उनकी इमोशनल एस्पेक्ट को कोई इतना सोचता नहीं है। तो उनकी इमोशनल एस्पेक्ट और उनकी फेसेस पे जो एक वो स्माइल आती है ना यहाँ पे आके, जो हमें वो वाली स्माइल्स उनकी प्राइसलेस हैं। तो ये आज सारा इवेंट सिर्फ उनके वो जो फेस पे स्माइल आ रही है सिर्फ उनके लिए ही है। सो हैप्पी क्रिसमस एवरीवन। ये जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 6 महीने से लेकर 2 साल तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उनने हमेशा हॉस्पिटल और घर, उसके बाद भी फिर हम लोगों के रेस्ट्रिक्शंस, पेरेंट्स के रेस्ट्रिक्शन, जो हम लोग पेरेंट को समझाते हैं कि कभी भीड़ में नहीं जाना है, क्राउड में नहीं जाना है, आपको बाजार में खाने को नहीं देना है, इस टाइप के माहौल से थोड़ा सा एक अलग माहौल देने का कोशिश किया है। लाइक जो हम लोग बालको मेडिकल सेंटर इन एसोसिएशन विद राउंड टेबल इंडिया के साथ में, कि बच्चों को हम देख रहे हैं एंजॉय करते हुए, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चों का लाइफ तो नॉर्मली है, उनको कैंसर हो गया या कोई बीमारी हो गई तो वो एक अलग बात है, बट हमें लगता है कि इसमें कहीं कोई सच रिस्क नहीं है क्योंकि हम सारे कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए ही इस इवेंट को मैं सम्मिलित हुए हैं। बुलेटिन में